हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। एंड आज के डेली डोज साइंस सेशन में अगेन साइंस के 5 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। जो 5 क्वेश्चंस होंगे वो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो तीनों सेक्शन से होंगे। एट द एंड प्लीज़ मुझे अपना स्कोर कमेंट करके बताना, एंड साथ में और कोई भी आपको क्वेरी है या किसी भी और टॉपिक पर अगर आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो वो भी आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन जो है ये हमारा फिजिक्स सेक्शन से है क्वेश्चन। एंड क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू फॉर पर्सन सफरिंग फ्रॉम हाइपरमेट्रोफिया। इनमें से कौन सी स्टेटमेंट है जो सही नहीं है, ठीक है, फॉर हाइपरमेट्रोपिया, हाइपरमेट्रोपिया के लिए। सो हमारे ऑप्शंस हैं, पहला है द पर्सन कैन सी फार ऑब्जेक्ट्स डिस्टिंक्टली, बी द फोकल लेंथ ऑफ लेंस इज लार्ज, सी इमेज ऑफ क्लोज ऑब्जेक्ट्स इज फोकस्ड बिहाइंड द रेटिना, या डी कॉनकेव लेंस इज यूज्ड टू करेक्ट दिस डिफेक्ट। आप वीडियो पॉज कर सकते हैं और अपना आंसर सोच सकते हैं। ओके, सो आंसर हम डिस्कस करते हैं। सो पहले हाइपरमेट्रोपिया होता क्या है, हाइपरमेट्रोपिया को हम और दूसरी जो दूसरे नाम से किस नाम से जानते हैं, फार साइटेडनेस के नाम से भी जानते हैं। अब फार साइटेडनेस इसको क्यों बोलते हैं, ये बहुत ही कॉमन विजन प्रॉब्लम है जिसमें क्या होता है कि लोगों को दूर का बहुत सही से दिखता है लेकिन डिफ़िकल्टी किस में होती है, पास का देखने में, ठीक है। तो यहाँ पर लोगों को किस में डिफ़िकल्टी होती है, जो पास की चीज़ें हैं उसको देखने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। एंड ये मैक्सिमम लोगों को ये प्रॉब्लम जो है वो देखी जो है वो होती है, आपने ऑब्जर्व भी किया होगा। अब यहाँ पर मेन प्रॉब्लम होती क्या है, ये हमारी आई है, ठीक है, ये हमारा जो है अलर्ट से आई का स्ट्रक्चर है। अब आई में जो है आँख में इमेज कहाँ बनती है, इमेज बनती है पीछे रेटिना पे, ठीक है। सो यहाँ पर मेन प्रॉब्लम क्या होती है कि जब भी लाइट रेज में एंटर करती हैं तो जो क्लोज ऑब्जेक्ट्स की जो इमेज होती है वो यूजुअली कहाँ बन जाती है, रेटिना के एकदम पीछे बन जाती है। सो रेटिना के पीछे बनने के कारण वो जो है वो पास वाली चीज़ों पे फोकस नहीं कर पाते हैं, ठीक है, और इसीलिए जो है ये इनको जो है वो हाइपरमेट्रोपिया की प्रॉब्लम जो है वो आती है, ठीक है। जो आईबॉल होता है फार साइटेड पर्सन में, उनका जो आईबॉल होते हैं वो थोड़ा सा छोटा होता है एज़ कम्पेयर टू नॉर्मल पर्सन। एंड इस डिफेक्ट को जो है वो करेक्ट करने के लिए हम कौन सा लेंस यूज़ करते हैं, हम यूज़ करते हैं कॉन्वेक्स लेंस, कॉनकेव लेंस यूज़ नहीं करते हैं, हम कॉन्वेक्स लेंस यूज़ करते हैं। सो यहाँ पर जो इनकरेक्ट स्टेटमेंट है वो है हमारी ऑप्शन नंबर डी, कॉनकेव लेंस इज़ यूज टू करेक्ट दिस डिफेक्ट, नो कॉनकेव लेंस इज़ नॉट यूज, कॉन्वेक्स लेंस इज़ यूज, ठीक है। सो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है द पीएच ऑफ अ सॉल्यूशन चेंजेस फ्रॉम 3 to 6, द एच पॉजिटिव आयन कॉन्सेंट्रेशन विल। अब सॉल्यूशन का पीएच है, ठीक है, वो क्या है, चेंज हो रहा है 3 से 6 तक। अब एच पॉजिटिव कॉन्सेंट्रेशन का क्या होगा, ऑप्शन ए इंक्रीज 3 times, बी डिक्रीज 3 times, सी डिक्रीज 10 times, या डी डिक्रीज 1000 times, ठीक है। सो अगेन आप वीडियो पॉज करके अपना आंसर सोच सकते हैं। ओके, सो आंसर डिस्कस करने से पहले हम पीएच के बारे में जानते हैं। सो पीएच क्या होता है, पीएच हमने सबने पीएच स्केल के बारे में सुना है, ठीक है। पीएच स्केल में रीडिंग कहाँ से होती है, 1 से लेके 14 तक, जहाँ पे जो 1 है वो क्या होता है, सबसे ज़्यादा एसिडिक होता है, एंड जो 14 है वो सबसे ज़्यादा एल्कलाइन या फिर सबसे ज़्यादा बेसिक होता है। बीच में क्या होता है, 7 होता है, वो क्या होता है, न्यूट्रल होता है। सो जैसे जैसे हम 14 को जाते हैं तो हमारी क्या है, बेसिसिटी इंक्रीज़ करती है, एंड जैसे जैसे हम क्या 14 से 1 की तरफ आते हैं तो क्या इंक्रीज़ करती है, जो एसिडिक कंटेंट है, ठीक है, वो क्या है, इंक्रीज़ करती है, एसिडिटी जो है वो इंक्रीज़ करती है, ठीक है। अब पीएच को जब भी हम बात करते हैं तो पीएच का फॉर्मूला क्या होता है, पीएच को हम रिप्रेजेंट करते हैं, इट इज़ नेगेटिव लॉगरिदम ऑफ एच पॉजिटिव आइंस, ठीक है, ये एच पॉजिटिव आइंस का नेगेटिव लॉगरिदम है। अब अगर इसको हम समझें, इसकी कॉन्सेंट्रेशन को समझें, ठीक है, सो लॉग बेस 10 है, ठीक है, और नेगेटिव लॉगरिदम है, तो मतलब जब भी हम क्या है इस पीएच को हम एक नंबर से इंक्रीज़ कर रहे हैं या 1 से इंक्रीज़ कर रहे हैं तो जो एसिडिक कंटेंट है वो कितने से चेंज हो रहा है, वो 10 times क्या हो रहा है हमारा, जो है वो 10 times एसिडिटी या बेसिसिटी ऑफ सॉल्यूशन को क्या कर रहा है, अफेक्ट कर रहा है या चेंज हो रहा है, ठीक है। अब अगर हम पीएच को जो है वो क्या कर रहे हैं, मीन्स अगर हम पीएच को 1 से इंक्रीज कर दे रहे हैं तो एच पॉजिटिव आइंस की कॉन्सेंट्रेशन क्या हो रही है, 10 times डिक्रीज हो रही है। उसी तरीके से अगर हम 3 से 6 कर देंगे पीएच को, ठीक है, मीन्स हम 3 से एकदम 6 पे जा रहे हैं, तो क्या है, ऑलरेडी हम 3 से कहाँ जा रहे हैं, 6 तक जा रहे हैं, तो क्या है, हमारा बेसिक कंटेंट इंक्रीज़ हो रहा है, बेसिसिटी इंक्रीज़ हो रही है, मीन्स एच पॉजिटिव की कॉन्सेंट्रेशन क्या हो रही है, डिक्रीज़ हो रही है। और यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, हम डिक्रीज़ कर रहे हैं, 3 से 6 जा रहे हैं, तो वो एटलीस्ट 1000 times क्या हो जाती है, डिक्रीज़ हो जाती है। सो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी कि डिक्रीज़ 1000 times, ठीक है। सो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी।
नेक्स्ट चलते हैं. नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, ओजोन लेयर ऑफ अपर एटमॉस्फेयर इज बीइंग डिस्ट्रॉयड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग. ओजोन लेयर जो है वो किस चीज से डिस्ट्रॉय हो रही है. ऑप्शन ए सल्फर डाइऑक्साइड, बी फोटोकेमिकल ऑक्सीडेंट्स, सी क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, या डी स्मोग. ठीक है, अगेन वीडियो पॉज करके आप आंसर सोच सकते हैं. ओके, सो पहले हम ओजोन लेयर की बात करते हैं. ओजोन लेयर क्या होती है? ओजोन लेयर जो है वो किस में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है? ये क्या करती है, जो यूवी रेज जो सन से आती हैं उनको क्या करती है, एब्जॉर्ब कर लेती है और उन्हें अर्थ के सरफेस पर पड़ने से रोकती है. अगर यूवी रेज सन पे पड़ अर्थ सरफेस पे आ जाए तो क्या होता है, जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं या जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उन पर बहुत ज़्यादा एडवर्स इम्पैक्ट जो ये क्रिएट करती है. अगर किसी ह्यूमंस पे पड़ जाए, एनिमल्स पड़ जाए, तो क्या है, उनको स्किन कैंसर हो सकता है और भी बहुत सारे डिसऑर्डर्स हो सकते हैं, म्यूटेशंस हो सकती हैं, जीन्स हमारी जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन है ठीक है वो चेंज हो सकती है. ठीक है, सो बहुत ज्यादा ऐसे जो प्रॉब्लम्स हैं ठीक है वो यूवी से हो सकती हैं. सो उसको जो है उसको तो इन हार्मफुल यूवी रेस से हमें कौन प्रोटेक्ट करता है, ओजोन लेयर प्रोटेक्ट करती है. लेकिन ओजोन लेयर भी को भी क्या है, वो उसको भी खतरा है ठीक है, वो क्या है, डिस्ट्रॉय हो जाती है. लेकिन कौन सबसे ज़्यादा इसको डिस्ट्रॉय कर रहा है, दैट इज़ हमारा क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जिसको हम बोलते हैं CFCs भी बोलते हैं. मीन्स जो हमारे क्लोरीन और ब्रोमीन हैं ठीक है, ये क्या करते हैं, ये जो स्ट्रेटोस्फीयर में ओजोन प्रेजेंट है, ओजोन लेयर ओजोन मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है, उनके साथ क्या करते हैं, उसके साथ ये क्या करते हैं, और ओजोन लेयर के साथ कॉन्टैक्ट बना देते हैं और उसमें जो ओजोन मॉलिक्यूल्स हैं उनको क्या करते हैं, डिस्ट्रॉय कर देते हैं. जो एटलीस्ट वन क्लोरीन मॉलिक्यूल है ठीक है, वन क्लोरीन एटम है, वो अप्रॉक्सीमेटली 100,000 ओजोन मॉलिक्यूल्स को डिस्ट्रॉय कर देता है. तो मतलब जितनी तेज़ी से ओजोन बनता नहीं है उससे ज़्यादा वो डिग्रेड हो जाता है, एंड दैट इज़ ऑल बिकॉज ऑफ क्लोरोफ्लोरोकार्बन. सो क्लोरोफ्लोरोकार्बन बहुत ज़्यादा क्या है, हार्मफुल है फॉर ओजोन लेयर. ठीक है, सो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट असर्शन और रीजनिंग का क्वेश्चन है. सो असर्शन है कस्क्यूटा, जो अमर बेल जिसको हम बोलते हैं, इट इज़ एन एग्जांपल ऑफ पैरासिटिक एंजियोस्पर्म. ए रीजन है, इट गेट्स इट न्यूट्रिशन फ्रॉम लीव्स ऑफ द होस्ट प्लांट. सो ऑप्शंस हैं, बोथ ए एंड आर आर ट्रू, बट आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए. बोथ ए एंड आर आर ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए. सी ए इज ट्रू, आर इज फॉल्स, या डी ए इज फॉल्स, आर इज ट्रू. ठीक है, सो आप अगेन वीडियो पॉज करके आंसर सोच सकते हैं. अब इसको आंसर को समझते हैं, तो पहले assertion की स्टेटमेंट को समझते हैं. assertion दिए कि कस्क्यूटा जो अमर बेल है वो पैरासिटिक एंजियोस्पर्म है. अब कस्क्यूटा होता क्या है, कस्क्यूटा एक बहुत ही रूटलेस प्लांट है, एंड इसकी बहुत ही पतली सी इसकी जो है वो क्या होती है, स्टेम होती है, और ये कभी भी खुद से मीन्स खुद के सपोर्ट से ग्रो नहीं करता, हमेशा साथ में कोई ना कोई होस्ट प्लांट होता ही है. सो लेट्स से ये हमारा क्या है, ये होस्ट प्लांट है. सो कस्क्यूटा जो है वो इसके आसपास ही जो है वो इस तरीके से जो है वो टर्न करके जो है वो ग्रो करता रहता है. अब जब ये जो ग्रो करता है ठीक है, तो ये क्या करता है, जो भी होस्ट प्लांट है उसके जाइलम और फ्लोएम मींस उसके वैस्कुलर बंडल्स के साथ क्या करता है, कॉन्टैक्ट जो है वो बना लेता है. ठीक है, सो उसके साथ कॉन्टैक्ट बना लेगा ठीक है. और फिर जाइलम एंड फ्लोएम का काम क्या होता है, पहले तो जाइलम किस में हेल्प करता है, फ्लोएम किस में हेल्प करता है, जाइलम वाटर की एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है, फ्लोएम वाटर की ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है, फ्लोएम फूड की ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है. सो क्यूटा इन वैस्कुलर बंडल्स के साथ क्या है, कॉन्टैक्ट बना लेगा, और जो भी ये फूड या फिर न्यूट्रिएंट्स, वाटर मिनरल्स जो भी ट्रांसपोर्ट कर रहे होंगे वहां से उनको क्या करता है, एब्जॉर्ब कर लेता है. ठीक है, सो बेसिकली ये क्या क्रिएट कर देता है, एक हॉस्टोरिया क्रिएट कर देता है. हॉस्टोरिया क्या होता है, हॉस्टोरिया का मतलब होता है कि जब आप क्या करते हो, जब आप किसी होस्ट प्लांट के साथ क्या है, कॉन्टैक्ट बना लेते हो, एंड देन उसके जो भी उसके उससे अपना न्यूट्रिशन जो है वो क्या कर रहे हो, डराइव कर रहे हो. सो उस चीज़ को हम बोलते हैं हॉस्टोरिया. तो आप इस टर्म को भी नोट डाउन कर सकते हो. सो यहाँ पर क्या है, पैरासाइट्स कौन होते हैं, पैरासाइट्स भी वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि अपने होस्ट पर जो है वो क्या करते हैं, फीड करते हैं. ठीक है, अपने होस्ट से न्यूट्रिशन अपना डराइव करते हैं. सो दे आर पैरासाइट्स. ओके, सो यहाँ पर हाँ assertion एकदम करेक्ट है कि कस्क्यूटा जो है वो पैरासिटिक एंजियोस्पर्म है, क्योंकि वो अपना न्यूट्रिशन कहाँ से ले रही है, इस होस्ट प्लांट से दे रही है. लेकिन रीजन है, इट गेट्स इट न्यूट्रिशन फ्रॉम लीव्स ऑफ द होस्ट प्लांट. नहीं, वो लीव से नहीं ले रही है, कहाँ से ले रही है, उसके जो वैस्कुलर बंडल्स हैं उनके साथ कॉन्टैक्ट बना के वहाँ से अपना जो न्यूट्रिशन है वो एब्जॉर्ब कर रही है, न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब कर रही है. सो रीजन हमारा क्या है, गलत है. सो करेक्ट ऑप्शन है यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी, कि ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स. ठीक है, सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी. आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, इबोला क्या है. ये बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड बहुत ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन है. सो इट इज़ अ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, बी इट इज़ अ डेडली वायरस, सी इट इज़ एड्स टेस्ट, या डी नन ऑफ दीज.
सो यहाँ पर हमारा करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, डेडली वायरस। इबोला क्या है? एक बहुत ही ज़्यादा डेडली वायरस है, ठीक है, जो किसमें जो कौन ट्रांसमिट करता है, एनिमल्स एंड ह्यूमंस में बेसिकली जो है वो ट्रांसमिट जो है वो होता है। अब 1976 में ये पहली बार जो है वो डिटेक्ट किया गया था। कहाँ डिटेक्ट किया गया था? इबोला रिवर के पास ये डिटेक्ट किया गया था। इबोला रिवर कहाँ है? इबोला रिवर जो है वो कॉन्गो में जो है वो पाई जाती है, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, वहाँ पर ये रिवर फ्लो करती है। एंड इसके पास जो है ये फर्स्ट टाइम जो है इसका जो केस है वो क्या किया गया था, वो पाया डिटेक्ट किया गया था। और क्योंकि अब ये इबोला रिवर के पास ही केस डिटेक्ट किया गया, तो साइंटिस्ट ने इस वायरस का नाम दे दिया इबोला वायरस, ठीक है। अब इसमें होता क्या है, इसमें ये बहुत ही ज़्यादा सीरियस इलनेस है एंड इससे ये इंसान मर भी सकता है अगर इसको सही से ट्रीट नहीं किया गया तो, ठीक है। सो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, इबोला इज़ अ डेडली वायरस। इवन आप लोगों ने सुना भी होगा बहुत बहुत बार इबोला वायरस के नाम से, ठीक है। सो यस, इट इज़ अ डेडली वायरस। सो ये थे हमारे 5 क्वेश्चंस एंड आई होप आपको आंसर्स क्लियर हो गए होंगे। हम जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट सेक्शन में। प्लीज़ अपना जो है स्कोर कॉमेंट करके बताना एंड साथ में कोई भी क्वेरी है वो भी आप कॉमेंट कर सकते हैं एंड कोई और टॉपिक पर आपने क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं वो भी आप कॉमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है। सो हम जल्दी मिलेंगे, तब तक के लिए स्टे सेफ, टेक केयर एंड बाय बाय।